अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ किनेमैटिक्स। ठीक है, इसको किनेमैटिक्स भी कहा जाता है और समटाइम इसको प्रोनाउंस करने में किनेमैटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो किनेमैटिक्स है हमारा चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 9। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो किस तरह से मूव करते हैं। ठीक है, उनके मूवमेंट को पढ़ेंगे एंड देन हम उसमें स्टडी करेंगे कि उसमें हमें कौन कौन से पैरामीटर्स रिक्वायर होते हैं एक किसी भी बॉडी की मोशन को, मूवमेंट को स्टडी करने के लिए। तो हमारे बेसिक जो हमारे कंटेंट्स हैं एक चैप्टर के, दैट इज़ रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे अपनी रेस्ट कंडीशन में बॉडीज़ को, अपनी मोशन कंडीशन में बॉडीज़ को। ठीक है, देन हम टाइप्स ऑफ मोशन करेंगे, क्योंकि हम हर टाइम एक ही तरह की टाइप नहीं यूज़ कर रहे होते मोशन की, क्योंकि हम अपनी मोशन को लीनियर भी कर रहे होते हैं, कभी हम मूव कर रहे होते हैं सीधे पाथ में, कभी कर्व पाथ में, तो हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन आ जाती हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। देन टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, अब हमें मूव करने के लिए कौन कौन सी टर्म्स रिक्वायर हैं कि हमारी जो है मोशन को प्रॉपरली डिस्क्राइब कर सकें, लाइक हमारे पास जो पोजीशन है और वेलोसिटी है हमारी, तो वो सारे टर्म्स जो हैं वो टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन में हम स्टडी करेंगे। देन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, जिस तरह हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ थी, जिसमें हमने ये देखा था कि जो हमारी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो बेस क्वांटिटीज़ 7 जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनके ऊपर बेस कर रही हैं, तो इसी तरह उनकी फर्दर जो हैं उन्हें कैटेगराइज किया गया है कि हमें सिर्फ उन मोशन को डिस्कस करने के लिए, बॉडी की मोशन को डिस्कस करने के लिए उनका मैग्नीट्यूड ही चाहिए या उसके साथ कुछ और भी चाहिए। ठीक है, तो हम उसमें वेक्टर्स में डिस्कस करेंगे एंड स्केलर में। देन हमारे पास ग्राफिकल एनालिसिस आएगा, जिस तरह हम पूरी मोशन को डिस्कस कर रहे हैं कि एक बॉडी मूव कर रही है, इस तरह से मूव कर रही है, तो हम ये तो जो है वर्बली कह रहे हैं ना, सिर्फ हम अपने बातों से बता रहे हैं, देन हम इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करेंगे कि हमें एक प्लेन पे किस तरह से मूव करना पड़ेगा, किस डायमेंशन में मूव करेंगे, तो हम कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे, तो हम ग्राफिकल एनालिसिस में सारी उस चीज़ों को डिस्कस करेंगे ग्राफिकली। देन हमारे पास आ जाएंगी इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास 3 टाइप्स की हैं इक्वेशंस, जिनसे हम ये स्टडी करेंगे कि अगर स्टडी जो है बॉडी मूव कर रही है देन उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी कैसी होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। इसी तरह हम मोशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिस्कस करेंगे कि हम कह रहे हैं कि हम मूव तो कर रहे हैं, ठीक है, हम अर्थ पे हैं, तो अर्थ पे इवन ग्रेविटी जो है हम पे एक्ट कर रही है ऑल द टाइम। ठीक है, तो ग्रेविटी का हमारी मोशन पे क्या इफेक्ट होगा, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो वी आर गोइंग टूवर्ड आवर फर्स्ट टॉपिक, रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, एंड इट इज टॉपिक नंबर 2.1, रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ना, हमारे किनेमैटिक्स हमें बता क्या रही है। ठीक है, किनेमैटिक्स इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर मूविंग। ठीक है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या किसी भी चीज़ की, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या इवन पार्टिकल्स, जिस चीज़ की भी हम मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं कि उसको स्टडी करेंगे किनेमैटिक्स में। अब अगर कोई कहे कि फर्स्ट चैप्टर में हमने फिज़िक्स के ब्रांचेस में पढ़ा था कि मैकेनिक्स भी होती है फिज़िक्स की ब्रांच, ठीक है, दैट इज़ मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स भी सेम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की स्टडी के बारे में हमें बताती है। ठीक है, कि स्टडी सारा हम थोरली उसमें करते हैं कि एक बॉडी किस तरह से मूव कर रही है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पार्टिकल्स। ठीक है, तो हमारे पास बेसिक डिफरेंस आ किस में रहा है, क्योंकि किनेमैटिक्स भी सेम चीज़ है एंड मैकेनिक्स भी, सो बेसिक डिफरेंस यहाँ पे आता है कि मैकेनिक्स में हम मोशन की स्टडी, मतलब ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी के साथ साथ उसके कॉजेस और इफ़ेक्ट्स को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि अगर वो मूव कर रही है तो उस पर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है जिसकी वजह से मूव कर रही है। ठीक है, क्योंकि अगर हम
स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन में हैं, हम बिल्कुल एक रेस्ट पोजीशन में हैं, तो इवन तब भी हम पे कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही होती है। ऐसा नहीं होता कि हम इक्विलिब्रियम पोजीशन में हैं तो हम पे कोई फोर्स एक्ट ना कर रही हो। सिंपली अगर आप एक मार्कर को देख लें, ठीक है, तो मार्कर क्या है, इस तरह एक रेस्ट पोजीशन पे है। अब रेस्ट पोजीशन पे ये नहीं है कि इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो इस पे जितनी भी फोर्सेस एक्ट करेंगी और वो उनका कॉज क्या होगा, उनका उनके एक्ट करने का पर्पस क्या होगा और उसका इफेक्ट हमारे पास क्या आएंगे, वो सब कुछ हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन किनेमैटिक्स में जस्ट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया जाता है, इस चीज़ को नहीं कंसीडर किया जाता कि कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है और अगर फोर्स एक्ट कर रही है तो बॉडी किस तरह से मूव करेगी। जिस तरह स्पेस में हमारे पास जो है, अब आप स्पेस की एग्जांपल ले लें, ठीक है, एग्जांपल हम लेते हैं स्पेस की। स्पेस में क्या होता है कि अगर बॉडी वहाँ पर प्रेजेंट है तो वो फ्रीली मूव कर रही होती है, ठीक है, उसके ऊपर कोई ग्रेविटी की फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती क्योंकि अर्थ का तो वहाँ तक नहीं रहता, कोई भी ग्रेविटी की फोर्स वहाँ पे नहीं होती, तो वो खुद ही फ्रीली मूव कर रही होती है जहाँ उसका दिल करता है, तो ठीक है, उसके ऊपर कोई फोर्सेस उस जगह पे स्पेस में इफ़ेक्ट नहीं कर रही होती, बट वो फिर भी मोशन में होता है क्योंकि स्पेस में भी ऐसा है कि आपके जो बॉडी का वेट है वो बहुत कम हो जाता है, इवन इतना कम हो जाता है और ग्रेविटी की फोर्स नहीं होती जिसकी वजह से आप स्पेस में उड़ना शुरू कर देते हैं। आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा या आप कार्टून्स में देखें तो स्पेस में उड़ रहे होते हैं, ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है अर्थ की ग्रेविटी हम पे कोई फोर्स नहीं लगा रही होती, तो वहाँ पे हम फोर्सेस को डिस्कस ही नहीं करते, इसीलिए जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स हैं विदाउट कंसीडरिंग द कॉज एंड इफेक्ट उनके स्टडी को हम कहते हैं किनेमैटिक्स। जबकि मैकेनिक्स में क्या होता है, हम अगर एक मोशन कंसीडर करें किसी भी ऑब्जेक्ट की, पार्टिकल की, उसकी स्टडी, मोशन की स्टडी के साथ साथ हम उसके कॉजेस को भी करते हैं कंसीडर कि वो क्यों प्रोड्यूस हो रही है, क्यों वो मोशन में है, क्यों वो मूव कर रही है, किस पाथ में मूव कर रही है, उस पर किस तरह से फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, वो सारा हम मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं और फिर उनके इफ़ेक्ट को डिस्कस करते हैं। सिंपली आप एक एग्जांपल ले लें, ये आपके पास एक टेबल है, ठीक है, दैट इज़ अ टेबल। अब अगर आप इस पर अपवर्ड फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली आप इसको लिफ्ट कर सकते हैं, लाइक ये मार्कर पे ही अगर मैं इसको अपवर्ड लेके जाना चाहूँ, मैं जस्ट इसको लिफ्ट करूँगी तो ये अपवर्ड चला जाएगा, इसको नीचे लाना चाहती हूँ इसको जस्ट हाथ से छोड़ दूँगी तो नीचे गिर जाएगा। इसी तरह उन कॉजेस को भी हम पढ़ते हैं कि अगर वो नीचे गिरा है तो वो ग्रेविटी की फोर्स ने उसको अट्रैक्ट किया, ठीक है, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया इस ऑब्जेक्ट को और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट नीचे गिर गया, ठीक है। तो इस सब की स्टडी को हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं, बट जो जस्ट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है वो सिंपली किनेमैटिक्स में डिस्कस की जाती है। इसी तरह अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज़ रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट में क्या होता है, अगर इसको जस्ट फिजिकल मीनिंग में ना लिया जाए, वैसे ही देखा जाए इंग्लिश के लैंग्वेज में, तो रेस्ट होता है कि आप बॉडी मूव नहीं कर रही, ठीक है, बॉडी एक स्टैंडिंग पोजीशन में है या जिस पोजीशन में मर्जी है वो मूव नहीं कर रही, ठीक है। तो इसकी जो है डेफिनेशन ये है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है। रेस्ट में क्या है, If body does not change its position, doesn't change its position, but यहाँ पे सबसे important क्या बात आ जाती है कि आप किस respect से उसको देख रहे हैं कि वो motion में नहीं है, ठीक है। So it is basically कि आप उसको उसकी surrounding के according check कर रहे हैं, ठीक है। तो body does not change its position with respect to surroundings के accordingly आप उसकी motion को या उसके rest condition को check करते हैं, क्योंकि sometime ऐसा होता है कि एक body move कर रही होती है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर बैठे लोग rest condition में होते हैं, तो इसलिए surrounding बहुत important है कि आप किस चीज़ को अपना reference point ले रहे हैं। इसकी example इस तरह देख लेते हैं, ये एक bus station है, ठीक है,
बस स्टेशन। यहाँ पे जो एक पर्सन खड़े हैं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं एक कार को, ठीक है। ये रोड है, मेन रोड है, यहाँ से जो है वो कार मूव करती हुई आ रही है। अब इस पर्सन के अकॉर्डिंग इस कार को अगर ऑब्जर्व किया जाएगा तो ये उसकी सराउंडिंग होगी, ठीक है, ये उसका ओरिजिन होगा जहाँ से वो अपनी ऑब्जर्वेशन ले रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग कार मूव कर रही है, ठीक है, इट इज़ नॉट इन द रेस्ट कंडीशन, ठीक है, तो मोशन में है। और मोशन क्या होगा, इफ बॉडी चेंजेस इट्स पोजिशन, चेंजेस इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, ठीक है। अब इसकी सराउंडिंग में वही मैन की एग्जाम्पल है, इसके अकॉर्डिंग ये कार मूव कर रही है, ठीक है, तो ये कार क्या है, इन मोशन है, ये अपनी पोजीशन चेंज करती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू दैट सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन। लेकिन अब क्या होगा, जो पर्सन कार में बैठे, ठीक है, कार में कोई जो पर्सन उस टाइम प्रेजेंट है, उसके रिस्पेक्ट से क्या होगा कि वो कहेगा मैं तो स्टेशनरी हूँ क्योंकि मैं कोई काम परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, मैं सिर्फ बैठ के, जो ड्राइवर है चले वो तो ड्राइव कर रहा होगा, जो उसके पीछे बैठे होंगे या जो उसके साथ बैठे होंगे वो बिल्कुल एक रेस्ट कंडीशन में होंगे, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किस चीज़ को अपनी सराउंडिंग कंसीडर करें, किस चीज़ को अपना ओरिजिन ले रहे हैं, क्योंकि सब बेस करते हैं सिर्फ ओरिजिन पे। अगर आपका ओरिजिन चेंज हो जाएगा, आपका रेफरेंस पॉइंट चेंज हो जाएगा, ओरिजिन जो है वो रेफरेंस पॉइंट भी होता है कि आप उस चीज़ से अपनी रीडिंग्स को या अपनी ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है, वो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन हमें देगा। तो अब इस कार में बैठे हुए पर्सन के अकॉर्डिंग वो रेस्ट पे है, बट अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन जो कि उसको कार को ऑब्जर्व कर रहा है बस स्टैंड पे खड़े होके, वो क्या होगा, वो कार तो एक मूविंग कंडीशन में होगी, वो रेस्ट कंडीशन में नहीं होगी। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कितना फ़र्क आ जाता है कि एक बंदा जो है मूव कर रहा है बट दूसरी ही तरफ वो अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखे तो वो मूव नहीं कर रहा होता। अब वही जो पर्सन कार में बैठा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बस स्टेशन पे खड़ा आदमी एक मूविंग कंडीशन में होगा, वो किस तरह से, ऑल्दो कि ये जो है रेस्ट कंडीशन में है, ये मूव नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है, किस तरह से नहीं मूव कर रहा कि सपोज यहाँ पे एक और आदमी है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में है, ये मूव नहीं कर रहा, इसकी कोई मोशन नहीं है, किसी वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा, कोई टाइम नहीं रिक्वायर कर रहा, तो इसलिए ये पर्सन जो है इसके अकॉर्डिंग, बी पर्सन जो है ए के अकॉर्डिंग रेस्ट कंडीशन में है। वही हम अगर सी के रिस्पेक्ट से देखना चाहें तो समटाइम आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि आप कभी रात में जो है सफ़र कर रहे हो तो आप देखते हैं अपनी कार के विंडो से कि बाहर जब देखते हैं तो आप मूव कर रहे हो, आपको लग रहा होता है जो मून है चांद आसमान पे वो भी आपके साथ साथ मूव कर रहा होता है, ऑल्दो इट इज़ स्टेशनरी, ठीक है। तो अगर उसके रेफरेंस से, मून के रेफरेंस से देखा जाए तो वो स्टेशनरी है, ठीक है, बट अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने रेफरेंस पॉइंट से देखें तो आपके साथ साथ जो है वो मून भी जो है मूव कर रहा होता है, आपको यूँ लग रहा होता है मून तो हमारे साथ ही आई जा रहा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, आपको ये ऑब्जर्व हो रहा होता है, ठीक है, उसकी जो है बाकी मैटर्स की वजह से। तो इसी तरह जब भी कार तेज़ी से मूव करेगी, आपने समटाइम देखा होगा कार मूव कर रही हो तो जितनी भी बिल्डिंग्स या ट्रीज हैं वो यूँ लग रहा होता है पीछे की तरफ जा रहे हैं, आप आगे जा रहे होते हैं और आपको लग रहा होता है दरख्त वगैरह सब कुछ पीछे को मूव करते हुए जा रहे हैं, तो आपको लग रहा होता है बेशक आप ट्री मूव नहीं कर सकते बट आपके रेफरेंस पॉइंट की वजह से, आपकी सराउंडिंग की वजह से आपको यूँ लगता है कि ट्रीज़ भी हमारे साथ पीछे मूव करते जा रहे हैं, हम आगे जाते जा रहे हैं तो वो पीछे सारे ट्रीज़ हमारे छूटते जा रहे हैं। तो इसलिए सराउंडिंग से जो है बहुत ज़रूरी होता है किसी भी पोजीशन को डिस्क्राइब करना। अब उसी कार वाले को देखें तो कार में जो बैठा पर्सन है सी, उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन भी मूव कर रहा था, ठीक है, कार आगे गई ये पीछे की तरफ मूव कर गया, तो क्या होगा, ऑल्दो कि ये विद रिस्पेक्ट टू ए
रेस्ट कंडीशन में था, बट विद रिस्पेक्ट टू सी ये मूविंग कंडीशन में है, इसलिए रेस्ट को या मोशन को जब भी डिस्क्राइब करें तो मस्ट है कि आप उसमें ये ज़रूर मेंशन करें कि विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, क्योंकि अगर आप ये मेंशन नहीं करेंगे तो सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा कि अगर एक पर्सन मूव कर रहा है किसके रिस्पेक्ट से कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसका सराउंडिंग्स या उसका ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट जो है ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि वरना तो जस्ट यही होगा रेस्ट पे है तो बॉडी काम नहीं करी, किसके अकॉर्डिंग काम नहीं करी, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, कि अगर ए पर्सन है उसके रिस्पेक्ट से बी पर्सन जो बस स्टेशन पे खड़ा है वो मूव नहीं कर रहा, बट विद रिस्पेक्ट टू कार वाला जो है आदमी उसके रिस्पेक्ट से वो मूव कर रहे हैं। तो सराउंडिंग मस्ट है जब भी रेस्ट या मोशन को कंसीडर किया जाए। सो इट वॉज योर टॉपिक नंबर 2.1, रेस्ट एंड मोशन।